तो बात रखने से पहले आप किस पे बात हो रही है उस पे थोड़ा फोकस करिए, मैं उस वीडियो को दिखाता हूँ। क्या जीता देखो। हमारे 11 सर्कल पे टीम बनाओ और हर दिन ऐसे ही जीतो। इस खेल में आदत लगना या आंतरिक जोखिम संभव है। तो जैसे देखा कि माई 11 सर्कल टीम बनाओ हर दिन एक मैच जीतो, जो कि बिल्कुल ही फ्रॉड है। हमें एक जुआ खेलना सिखाया जा रहा है, हर एक एक्टर हर एक क्रिकेटर के माध्यम से देख रहे हो। इसमें सारे लिप्त हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी हों, अक्षय कपिल शर्मा हों, राजपाल यादव हों, कोई भी आप किसी को भी उठा लो, इतने हैं सारे या तो गुटखा बेचने में या तो यही सब जितने भी देश के युवाओं को बर्बाद करने की रास्ते हैं सारे सब यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि वो ठीक है, दरअसल वो हमको बर्बाद नहीं कर रहे, वो उससे पैसे कमा रहे हैं, वो उस काबिल हैं कि क्या इस माई 11 सर्कल के ऐप ने क्या इसको 10 लाख भी रुपए नहीं दिए होंगे? क्या माही, महेंद्र सिंह धोनी, राजपाल यादव, मैंने कई साल ज़्यादा नहीं देखे लेकिन जितने के भी देखे हैं, क्या इनको पैसे नहीं मिले होंगे? इनको पैसे मिले होंगे उसका एड कर उसका प्रमोशन करने के लिए नहीं, ये उस काबिल हैं तो इनको प्रमोशन करने के मिला। तो जहाँ तक मुझे लगता है, हम पहले टाइम पे किसी को आइडल मानते थे, हम उसे सीखते थे, हम उससे समझते थे क्या सही, मतलब अपने जीवन को थोड़ा बेहतर करने के लिए। आज के टाइम पे हम उसके नौकर बन जाते हैं, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। भाई इसको कुछ ना कहो, ये वो वगैरह वगैरह, ये बोल रहे हैं तो सही है, ये बोल रहे हैं तो गलत है, नहीं तो कुछ नहीं, कोई कोई रिसर्च नहीं, कोई जानकारी नहीं, बस सारी ऊपरी ऊपरी बातें, सारी बहकी बहकी बातें। इनको कुछ कहोगे तो ये है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, अगर इन शॉर्ट में समझाऊँ तो हमें किसी को भी आइडल मानना चाहिए, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई फुटबॉलर हो, वॉलीबॉलर हो, कोई भी हो, हमें किसी को भी अपना आइडल मानना चाहिए। उससे उसके अंदर जो अच्छी खूबियाँ हैं उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसकी कही हर एक बात को सच मानना चाहिए, उसकी दी हुई हर एक दलील को सच मानना चाहिए, वो कोई भी एक्स वाई जेड, मैं सबको बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इससे अगर हम किसी को आइडल मानते हैं तो इससे हम आगे जाएंगे, आगे हम भी प्रमोशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रमोशन कर रहे हैं, इससे पैसे कमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने समझदार लोग होंगे, बेवकूफ़ नहीं, जो इनको अपना गुरु मानते होंगे इसलिए कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है, तो बेवकूफ़ हैं। अगर जो इनको गुरु मानते होंगे इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत तरक्की की है और हमें भी इनसे सीख के आगे बढ़ना चाहिए, तो सही है, ना कि माई 11 सरकार ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पे गेम खेल के। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है, हमें किसी को भी अपना आइडल मानने की ज़रूरत है, ना कि उसको अपना भगवान मानने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये बात सही लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी यस बाय।